ओम नमः शिवाय। प्रैक्टिस वर्क के अंतर्गत आज यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य भेद दिए गए हैं। आपको दिए गए वाक्यों में रचना के आधार पर वाक्य की पहचान करनी है और बताना है कि दिया गया वाक्य सरल संयुक्त या मिश्र वाक्य में से कौन सा वाक्य है। पहला है, यात्री बैठ गए और बस चल पड़ी। दूसरा, राजन ने मकान बनवाया। तीसरा, बस ड्राइवर ने बस बहुत तेज चलाई। नंबर चार, सिपाही ने उस युवक को पीटा जिसने जेब काटी थी। नंबर पांच, बिस्मिल्लाह खां वही शहनाई वादक हैं जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। नंबर छः, अशोक मेहता मुख्य अतिथि थे जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। नंबर सात, नर्तकी ने आकर्षक भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। नंबर आठ, छोटी सी मानसी ऐसे नाच रही थी मानो मंझी कलाकार हो। नंबर नौ, क्योंकि नेहा शोर मचा रही थी इसलिए डांट पड़ी। नंबर दस, समय हो गया है परंतु ड्राइवर बस नहीं चला रहा। अगला है, जब गोमती घर पहुंची बेटी रो रही थी। नंबर बारह, नानी मुझे डॉक्टर बनने के लिए कहती हैं। नंबर तेरह, रचिता नौकरी करना चाहती है। अगला है, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। और अंतिम है, नीना ने कविता लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया। दिए गए अभ्यास कार्य को आप अपनी लैंग्वेज कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।